बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चटपटा रंगीन में मैं हूँ आपकी शेफ अफशा नसरुल्ला। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे दम का कीमा। इसके लिए कीमा लिया है 1 किलो। इसको धोकर इसका पानी निकाल दें और इसे एक बॉल में डाल लें। फिर डालें मसाले, जिनमें है नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, सफेद जीरा 1 टेबल स्पून, भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कचरी पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास पपीता मौजूद हो तो आप कचरी के बजाय पपीता भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबल स्पून, दही 1 प्याली, कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून, पुदीना 2 टेबल स्पून, ये बारीक कटा हुआ है। फिर इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेशन के लिए 1 घंटे के लिए रख दें। फिर पतीली में कुकिंग ऑयल डालें और 2 दरमियाने साइज की प्याज डालकर फ्राई कर लें। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो कीमा इसमें शामिल कर दें। कुछ देर तेज आग पर कीमे को फ्राई करें। इसके बाद दम वाली आग पर पकने के लिए रख दें। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, ये कीमा दही और अपने पानी में खुद ही गल जाएगा। 35 मिनट बाद चेक कर लें, ये हमारा कीमा तो गल चुका है। अब इसको भून लें, अगर पानी हो तो उसे खुश कर लें। फिर दरमियान से काट कर 5-6 हरी मिर्चें शामिल कर दें। चंद मिनट मजीद दम पर रखें और बस कीमा तैयार है। हम तो इसे पूरी पराठे के साथ खाएंगे। आप किसके साथ खा रहे हैं कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। मेरी रेसिपीज को पसंद करने का शुक्रिया। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।